दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी केपी सिंह कक्काजू शिवपुरी से चुनाव लड़ते हैं। ये वही केपी सिंह हैं जो पिछोर से लगातार 6 बार से विधायक हैं। एक ऐसा किला जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती रही गिराने को, लेकिन केपी सिंह कक्काजू लगातार पिछोर से जीत दर्ज करती रहे। केपी सिंह को कोई टक्कर देने वाला था तो लोधी समाज, और लोधी समाज में से पहले तो उमा भारती जी के भाई आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद फिर आते हैं प्रीतम सिंह लोधी। प्रीतम सिंह लोधी वो शख्स जिसने केपी सिंह के जीत के मार्जिन को लगातार कम किया, और उसके बाद स्थिति ये बनी इस चुनाव में जो विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुआ है उसमें कि केपी सिंह को पिछोर की जगह शिवपुरी से चुनाव लड़ना पड़ा, और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं वो सीट बदली। केपी सिंह मन से यही बोल रहे थे। अब अंदर खाने क्या है वो सबको पता है। खैर, हम बात कर रहे हैं इस समय शिवपुरी विधानसभा में केपी सिंह कक्काजू के हार के कारण की। केपी सिंह कक्काजू जो लगातार 6 बार से जीत दर्ज कर रहे थे, एक कहें कि एक प्रकार से अजय योद्धा थे, राजनीति के एक प्रकार से चाणक माने जाने लगे थे, जो लगातार जीत रहा हो और उसके बाद जनता के बीच में लोकप्रियता, तमाम चीज़ें उनकी फैक्टर थी काम करने को लेकर। लेकिन हार का क्या कारण रहा है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि शिवपुरी विधानसभा में जो जीते हैं उनका नाम है देवेंद्र कुमार जैन, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे। प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बनाया और उनके सामने पिछोर से चुनाव न लड़के शिवपुरी से चुनाव लड़ने पहुंचे केपी सिंह। देवेंद्र कुमार जैन को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 112,324 वोट मिले हैं, तो वहीं केपी सिंह कक्काजू को जो बड़े लोकप्रिय थे और शिवपुरी से चुनाव लड़ रहे थे उनके लिए जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 69,294 वोट। 35% वोट केपी सिंह कक्काजू को मिला है शिवपुरी विधानसभा में, तो वहीं जो देवेंद्र कुमार जैन हैं उनके लिए 56% प्लस वोट मिला है। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि केपी सिंह के ऊपर जनता ने भरोसा क्यों नहीं किया, दूसरी चीज देवेंद्र जैन पर इतना भरोसा क्यों, इतना वोट क्यों आया है, इसकी भी चर्चा करना अति अनिवार्य है। देवेंद्र जैन व्यापारी हैं, इसके साथ साथ जो शिवपुरी की शहरी कल्चर है या ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण अंचल के अपेक्षा शहरी जो अंचल है वो बड़ा है। 164,000 से अधिक वोटिंग शहरी क्षेत्र में है, और हर बार भारतीय जनता पार्टी जहां लगातार 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है, तमाम विकास की बातें की जाती हैं लेकिन उतना विकास शिवपुरी में हुआ नहीं है। जो नेता रहे हैं उन्होंने केवल अपना नाम और जनता का वोट लिया, बाकी डेवलपमेंट के मामले में शिवपुरी बहुत पीछे देखने को मिला है। हाँ, पर्यटन टूरिज्म से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं और अच्छा हो भी सकता है, लेकिन खैर सरकार अपने अपने तरीके से बात करती। हम बात कर रहे हैं केपी सिंह के हार के कारणों की। देवेंद्र जैन पर जनता ने भरोसा किया, शहरी क्षेत्र से देवेंद्र जैन को अच्छा खासा वोट मिला, और केपी सिंह कक्काजू को अधिकांश जो वोट मिला वो ग्रामीण अंचल का मिला है। अब ग्रामीण अंचल से जो ग्रामीण अंचल है उसका वोट लगभग 70-75 हज़ार के बीच का है, उसमें से 69,000 वोट करीबन केपी सिंह ले जाते हैं शहरी और ग्रामीण का मिला के कह रहे हैं। लेकिन हमने आपको एक आंकड़ा देने का प्रयास किया है। अब केपी सिंह हारे क्यों हैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। केपी सिंह 6 बार के विधायक की आखिर क्या मजबूरी पड़ गई कि शिवपुरी से उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। सबसे बड़ा कारण तो यही था जिसमें से केपी सिंह पिछोर विधानसभा में जो लगभग 1.5-2 साल से चुनावी तैयारियां कर रहे थे, तमाम समाजों की बैठक कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से, दिग्विजय सिंह की तरफ से, कमलनाथ दिग्विजय सिंह की खिचड़ी क्या पक रही थी, वो कौन सा रणनीति के तहत वो शिवपुरी पहुंचे थे जहां वो अपनी खुद की सेफ सीट हार जाते हैं। मतलब पिछोर यहां जो है प्रीतम सिंह लोधी जीत रहे, वहां शिवपुरी में केपी सिंह चुनाव हार रहे, उस सीट पर जहां 30 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही राज था। अब एक तो सीट बदलना केपी सिंह को सबसे बड़ा नुकसान दे गया, उसके बाद दूसरा चुनाव में शहरी अंचल में वो कनेक्ट ही नहीं हो पाए, एक अंतर कहीं ना कहीं देखने को मिला। 43,000 वोट का एक बड़ा डिफरेंस होता है। केपी सिंह उस शख्स का नाम है जो आंकड़ों पर बड़ा ध्यान देता है। केपी सिंह उस शख्स का नाम है जो राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं नीट क्लीन राजनीति पर काम करने का प्रयास करता है, खासतौर से पब्लिक डोमेन के बीच में। लेकिन शिवपुरी की जनता पर भरोसा, जनता ना तो उन पर भरोसा कर पाई ना वो जनता को भरोसे में ले पाए। दूसरी चीज ये कहें कि एक प्रकार से जो कारण में है कि केपी सिंह जो है वो पैसे की राजनीति नहीं करते,
चाहे पिछोर की स्थिति हो चाहे शिवपुरी की स्थिति हो, वो भांप नहीं पाए कि जो पिछोर की जनता है वो कुछ अलग है, पिछोर का वोटर कुछ अलग है और शिवपुरी का वोटर कुछ अलग है, खासतौर से शहरी और जिला मुख्यालय होने के बाद। अब ऐसे में जो धन बल का चुनाव होता है उसमें केपी सिंह कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आए और उन्होंने चुनाव में पैसा खर्च नहीं किया जिस प्रकार से देवेंद्र जैन ने खर्च किया है। तमाम आंकड़े, चूंकि सरकारी आंकड़े कुछ और होते हैं दिखाने के और अंदर खाने चुनाव कुछ चलता है, एक चुनावी कैंपेन के दौरान एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तो पैसा मिलेगा तो हम वोट देंगे, तो केपी सिंह कक्काजू ने मेरे ही सामने उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, भज्जा तुम्हें वोट देने हो सो दो और नहीं देने हो सो नहीं दो, हम पैसन में वोट नहीं खरीदत, हम तुम्हारा 5 साल सेवा में खड़े रहे लेकिन तुम कहोगे पैसा तो हम पैसन में वोट नहीं खरीद, जो इस प्रकार की चीज जो है केपी सिंह ने हमारी के सामने बोला था। और ऐसा है भी, पिछोर के चुनाव जो होते हैं उसमें पैसा नहीं चलता है, चाहे प्रीतम सिंह लोधी हो चाहे केपी सिंह कक्काजू का फाइट हो दोनों का, अभी तक तो यही होता हुआ नजर आया। अंदर खाने थोड़ा मोड़ा डीजल पेट्रोल का चलता हो तो चलता हो, वरना चुनाव में पैसा नहीं चलता है, ना तो प्रीतम सिंह लोधी की तरफ से चला और ना ही केपी सिंह या अरविंद लोधी की तरफ से, थोड़ा मोड़ा खर्चा जो गाड़ी वाड़ी का है वो चलेगा लेकिन समाजों में वोट खरीदने का जो होड़ रहती है जो प्रधानी चुनाव में होता है वो सब पिछोर में नहीं है। तो साफ छवि की राजनीति कहीं ना कहीं केपी सिंह ने उसको आगे बढ़ाया है और जनता उन पर भरोसा भी करती है और 5 साल देखने को भी मिला कि केपी सिंह अपनी चौपालों के माध्यम से जनता की समस्याएं सुनते और उनको काम कराते, उसमें किसी प्रकार की कोई दलाली नहीं, ये चीज़ देखने को रही है। अब शिवपुरी में इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार बड़े हाई स्टैंडर्ड तरीके से किया गया। इसके पहले केपी सिंह सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, हमारी मुलाकात हुई उसके बाद हमने कहा कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो, प्रीतम सिंह लोधी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर है, ऐसे में उनकी उपस्थिति सोशल मीडिया पर हुई, उन्हें एक IT सेल बनाई, कामकाज हुआ, एक व्यवस्थित कार्यक्रम कहीं ना कहीं करते हुए नजर आए। लेकिन दोनों तरह, चूंकि यहाँ पिछोर भी देखना है और वहाँ शिवपुरी भी देखना है, और पिछोर में जनता उनके साथ थी, भरोसा था उस तरह, और जिस प्रकार के अरविंद को वोट मिला है वो भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनका खुद का जो निजी वोट बैंक है वो है, वो छूटा नहीं है, हाथ से गया नहीं है। लेकिन शिवपुरी जो एक नई टेरिटरी थी वहाँ उन्हें बड़ी तैयारी करनी थी और कहीं ना कहीं समय वो पर्याप्त नहीं दे पाए, जिसका एक हार का कारण ये भी माना जा सकता है। और अगर ज़्यादा समय देते, 6-7 महीने पहले से काम काज करते तो वहाँ पर भी वो अपना खासा एक अपना दबदबा मनाते, चूंकि ग्रामीण अंचल में केपी सिंह कक्काजू का एक नाम है, लोग ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन शहर में शहर की जनता कुछ और होती है, उससे ज़्यादा कोई राजनीति से लेना देना नहीं होता है, उसके मैक्सिमम काम वो खुद कराने चले जाते हैं और शहर में जो डेवलपमेंट की बातें हैं सब बातें वो पहले से करनी चाहिए थी। केपी सिंह अपने कैंपेन में बोलते थे कि शहर में बहुत कुछ कर सकते लेकिन किया नहीं, मीडिया ने भी चर्चा नहीं की। अब मीडिया चर्चा करे क्यों, जो विपक्ष चर्चा करे तो मीडिया चर्चा करे, अब विपक्ष के जो नेता वहाँ पर हैं कांग्रेस के वो चर्चा ही नहीं करते थे, तो इसलिए चर्चा हुई नहीं। चर्चा जब होगी, जब विपक्ष के नेता आवाज़ देंगे, हल्ला देंगे, हाय तो हवा मचाएंगे, सड़कों पे आएंगे, तो मीडिया थोड़ा मोड़ा दिखा देगी, और फिर गोदी मीडिया के इस दौर में तो अधिकांश सत्ता की बाय बाय की जाती है, कटाक्ष बहुत कम लोग कर पाते हैं। खैर अपन चर्चा कर रहे हैं, अब ऐसे में केपी सिंह जो बोल रहे थे उसमें से बहुत सारी चीज़ें जनता के ऊपर से निकल गई, लेकिन एक छोटे से समय में केपी सिंह अपनी कैंपेन चलाते, एक नाम कद 6 बार के विधायक, उसके बाद वो अपने 69,000 वोट ले जाते, जितनी मेहनत उतना उनको वोट जनता ने दिया, आशीर्वाद दिया। लेकिन अगर बहुमत चाहना था तो कम से कम 1-1.5 साल पहले से उन्हें तैयारियां करनी थी, ऐसा नहीं कि सीधे पहुंच गए, हेलीकॉप्टर से उतरे या किसी भी, मान लो एक प्रकार से जिन्हें वो बाहरी बना रहे थे वो भी एक पिछोर विधानसभा छोड़ के शिवपुरी विधानसभा में पहुंचे थे। और देवेंद्र जैन एक कद्दावर नाम वो भी है, ऐसे इनका वो व्यापारिक नाम है, इनका नाम राजनीतिक है, लेकिन देवेंद्र जैन की रणनीति कहीं ना कहीं काम की, और लाडली लक्ष्मी बहना जो भी लाडली बहना योजना है वो भी कहीं ना कहीं असर दिखाई है इस पूरी कैंपेन। केपी सिंह पैसा खर्च नहीं कर रहे, देवेंद्र सिंह पैसे खर्च कर रहे थे, तमाम चीज़ें और भी अंदर खाने होती रहीं, प्लस कांग्रेस की गुटबाजी। जब एक कार्यक्रम के दौरान केपी सिंह कक्काजू ने अपना 1 घंटे से ऊपर का भाषण दिया, उसमें तमाम नेताओं की गुटबाजी देखने को मिल रही थी, और अगर केपी सिंह वहाँ से जीत जाते तो कांग्रेस की जो 30 साल से नहीं जीते और जो अपने सपने देख रहे थे उनके सपनों कहीं ना कहीं सपने ही रह जाते, केपी सिंह वहाँ से फिर लगातार जीतते, इसलिए वो कहीं ना कहीं गुटबाजी का भी शिकार हुए हैं, इसके कारण भी वो हारे हैं। वो एक सीमित समय में जितना समझ सकते थे उन्हें समझने का प्रयास किया है। केपी सिंह कक्काजू का विजय रथ जो है वो रुक गया है, केपी सिंह की करारी हार हुई है और लगभग 43,000 प्लस वोटों से वो
हारे हैं। ये हार छोटी मोटी हार नहीं है। देवेंद्र जैन ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने केपी सिंह कक्काजी को हराया। वो हार के कारण स्पष्ट हैं, कम समय में चुनावी कैंपेन को समझ नहीं पाना, कम समय में जनता के बीच में उस तरीके से उपस्थिति ना दर्ज कर पाना, उस कम समय का दुरुपयोग हुआ कि ना तो धन बल का उपयोग उन्होंने किया कि धन बल करते, दूसरा उससे साथ साथ दो विधानसभा में और वो दौड़े, यहाँ पे छोर भी देख रहे थे और वहाँ भी देख रहे थे, ना घर बचा पाए ना बाहर बचा पाए, दोनों जगह से हार का सामना केपी सिंह को करना पड़ा है। केपी सिंह जिस उम्र में है, जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, जहाँ उन्हें हार का बहुत बड़ा डर लगता है, उन्हें आज हार का मुंह देखना पड़ा है और दोनों ही विधानसभाएं उनके हाथ से चली गई। शिवपुरी तो थी नहीं उनकी, पिछोर जो थी वो भी उनके हाथ से चली गई। अब किस प्रकार की राजनीति को लेकर वो आगे बढ़ते हैं ये देखने वाली बात होगी। केपी सिंह पीठ दिखाने वालों में से नहीं है, लेकिन ऐसे में जब वो शिवपुरी पहुँचे पिछोर छोड़ के, तो तमाम किरकिरी हुई, तमाम चर्चाएँ हुई। खुद प्रीतम लोधी ने कहा कि यार मज़ा ही नहीं आ रहा, जिसको हराना था वो हमारे सामने से भाग गया है, जीते तो हम रहे हैं लेकिन अगर वो सामने होते तो कुछ और मज़ा होता। और यकीन मानिए पिछोर में अगर केपी सिंह और प्रीतम सिंह लोधी चुनाव आमने सामने करते, क्योंकि अरविंद लोधी ने भी जबरदस्त पूरा कैंपेन चलाया चुनाव में और एक अच्छा खासा माहौल बना के अरविंद लोधी भी अपनी फाइट दिखाते हुए नजर आए, लेकिन प्रीतम सिंह लोधी को टक्कर अगर कोई दे पाता तो वो थे केपी सिंह कक्काजू। और केपी सिंह कक्काजू जिस हार के डर के कारण कहीं ना कहीं भागे, ठीक बहाना कांग्रेस का हो सकता है, टिकट काटने का बहाना कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन हार का डर जो उन्हें सता रहा था, वहाँ पर वो चैन की सांस लेने के लिए पहुँचे और वहाँ पर भी हार का सामना उन्हें शिवपुरी में देखने को मिला है। इसका मतलब है कि वो 30 साल से जो बीजेपी का गढ़ था वो गढ़ बरकरार है और लगातार कोई ना कोई बीजेपी का ही विधायक वहाँ से बन रहा है। अब चूंकि यशोधरा राजे ने वो सीट खाली कर दी, इसलिए कोई दूसरे को ही हम नाम दे सकते हैं, ऐसे में देवेंद्र जैन है, आगे और जो होगा वो देखने वाली बात होगी। अब केपी सिंह की आगे की राजनीति किस प्रकार की, और केपी सिंह ने भी ऑन कैमरा बहुत कुछ बोला नहीं है, चर्चा करने का प्रयास करेंगे, बात जानने का प्रयास करेंगे क्या आगे वो करना चाहते हैं, आगे राजनीति में सक्रिय रहेंगे या फिर संन्यास लेंगे या फिर एक बार पुनः पिछोर से ही ताल ठोकेंगे या शिवपुरी में वो अपनी नई राजनीतिक सफर को शुरुआत करने के लिए अभी से लग जाएंगे। तमाम चीज़ों के सवाल जो हैं वो उनके जवाब मिलना भी बाकी है और हम लोग उन पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। केपी सिंह के हार का कारण कम समय, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, इसके बाद लोगों को समझ ना पाना, पैसे धन बल की राजनीति से दूर राजनीति जो आज के समय में बहुत कम लोग करते हैं वो करना, और कहीं ना कहीं गुटबाजी एक कारण बने हैं। और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की अपनी कहानी रही वो अलग है, लेकिन यहाँ वो रहा है दूसरी देवेंद्र जो थे रघुवंशी, उनके साथ जो खेल हुआ कहीं ना कहीं उनकी भी अंदर खाने कुछ हम कह नहीं रहे, वो लोग कुछ ऐसे थे जो उन्हें हराना चाहते थे और ये मोहफट होने के कारण कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक अंदर खाने खेल किया भी है। इसलिए शहर में वोट ना मिलना ये सबसे बड़ा कारण केपी सिंह के हार का कारण बना, गुटबाजी उसमें बहुत बड़ा कारण है। नमस्कार।